की चंदौसी में जनता ने सफाई कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनके गलों में नोटों का हार डालकर उनका सम्मान और उत्साहवर्धन किया। कोरोना वायरस के विरुद्ध इस जंग में सबसे ज्यादा हमारी जो रक्षा कर रहे हैं वे है हमारे सफाई प्रहरी। सफाई प्रहरियों की इसी जज्बे को देखते हुए जनपद संभल के चंदौसी के विसोली गेट में लोगों ने आज सफाई प्रहरियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद जनता ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की तथा उनके गलों में नोटों के हार भी डाले। इस विषय में विसोली गेट के रहने वाले अर्पित अग्रवाल ने बताया कि हमारे हीरो जो है वे है सफाई कर्मी, जिनकी वजह से कोरोना वायरस के समय में भी हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। वही सम्मानित होने वाले सफाई कर्मी दिनेश ने बताया कि हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि इस संकट की घड़ी में लोगों ने हमें सम्मानित किया, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि वे घरों में से बाहर ना निकले तथा घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। मेरा नाम दिलीप कुमार वाल्मीकि, किस विभाग से हैं? नगर पालिका परिषद चंदौसी। आज आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या कहेंगे उसमें? ये बहुत दुख की घड़ी में हमें सम्मानित किया गया है। एक तरफ तो हमें जो है खुशी महसूस भी है और एक तरफ जो है हमें गम भी है कि जो है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर जो है कुछ लोगों की वजह से ये कोरोना जो है रुक नहीं पा रहा है। हम जो है ऐसे लोगों के जो इस चीज़ को नहीं रोकने नहीं दे रहे हैं उनसे कड़ी से कड़ी उनके सर जो प्रशासन जो कार्रवाई करे जिससे कोरोना रोक सके। जब अगर कोरोना रुकेगा तभी हम जीतेंगे। हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए हमेशा जब भी भाषण देते हैं, जब भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए कहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो है उसमें कभी हमारा नाम नहीं लिया जाता था। आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा नाम लेना नहीं भूल रहे हैं। ये हमारी मेहनत है और उनका भी बहुत बड़ा उपकार है जो कि हमारी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। अरे जैसे कि आज आपके ऊपर फूलों की बरसात की गई, कुछ अर्पित किए गए आप लोगों को छतों से और आप लोगों को सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है कि आज जो हमारा भी सम्मान हो रहा है, हमारी भी मेहनत को जो है लोग पहचान रहे हैं कि हाँ भाई ये भी दिन रात लगे हुए हैं। और हम बस जो है हाथ जोड़कर ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें। हम जो है फील्ड में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं कि जो है कैसे भी हमारे देश से ये कोरोना जो है विदा हो जाए। जैसे कि आप लोग गंदगी में जाते हैं, सफाई करते हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? डर लगता है जो गंभीर बीमारी चल रही है ऐसा हमें डर नहीं लगता है। हमारे जो हमें केवल एक ही डर लगता है कि अगर हम जब जो घर जाते हैं तो दिल में धुकर धुकर होती है कि जो है हमें कुछ हो जाए, हमें कोई वो नहीं है, मगर हम जो है देश के खातिर जो है मरने मिटने को तैयार हैं। मगर जो हम जब घर जाते हैं तो बच्चों से बड़ा अलग कपड़े उतारते हैं, अलग जो है नहा धो के तब कहीं फिर भी डरते डरते मिलते हैं उनसे हम, क्योंकि भगवान ऐसा ना करे किसी के भी साथ। कोई संदेश देंगे लोगों को? हम संदेश केवल इतना ही देंगे कि बहुत ही ज़रूरी है, प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं और भी सभी लोग इस बात के लिए कह रहे हैं और हम भी हाथ जोड़कर ये चाहते हैं कि बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, अन्यथा घर में ही ज़्यादा रहें। लोगों ने सफाई कर्मचारियों को सबसे फूलों की वर्षा की है और उन लोगों को सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए इस समय हिंदुस्तान में हमारे लिए तीन भगवान के रूप में हैं, प्रशासन, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी बेचारे सुबह ही आ जाते हैं, अपना जो है सारा कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस समय लॉकडाउन के चक्कर उसमें। और आज हमने पूरे मोहल्ले ने, पूरे वार्ड ने जो है आज उनके लिए पुष्प वर्षा करी व फूलों की माला से उन्हें समर्पण करा।